जा रहे हैं पार्वती टेम्पल, पार्वती पहाड़ जो कि है बोको में। और ये है हमारा बसंती पल्सर, ये मेरा नहीं है, मेरे भाई का है। और अभी निकल रहे हैं, अभी अराउंड टाइम 10:30 हो रहा है। 65 to 70 किलोमीटर है, जाने में अराउंड 2 से 2.5 घंटा लगेंगे। और मेरे साथ मेरा दोस्त भी जा रहा है, वो जो पीछे में कहाँ गया, वो पीछे में जो आ रही है। और हाँ, ये है दोस्त, और हम लोग जाने के लिए रेडी। और दिस इज गोना बी आवर फर्स्ट वीडियो, सो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। कितना बजा है अभी? 10:30 बज गया। अभी हम लोग जाएंगे, पहले पेट्रोल भराएंगे, उसके बाद आप लोग कहीं भी हो तो पहले आप जालुकबारी पहुँचिए। हम लोगों ने यहाँ पे पीछे बैठ गए और अभी गुवाहाटी के लिए पहुँचे। अभी टाइम हो रहा है आपका 10:40, और हम लोगों ने 10 मिनट में मठघरिया से ये गुवाहाटी क्लब का सफ़र तय किया है। और आज संडे है तो बोल के थोड़ा सा जाम जुम कम है, अभी तो लंबा सफ़र है। थोड़ा सा गाना गा दो, क्या लेकर आए थे? आए रे बंदे क्या लेकर जाओ, ब्रेक खाई किले मिलाई किले, धीरे धीरे जाना है, लंबा जीवन जीना है। ब्रेक डाउन करो, गियर डाउन। हम लोगों ने अभी फैंसी बाजार पार किया है, और अभी लाचित घाट फैंसी बाजार सब पार करके भी मालीगांव घुसने वाला है। ये है अभी मालीगांव, नया ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो रहा है 2 सालों से, बहुत जाम लगता है यहाँ पे, विराट जाम लगता है यहाँ पे। तो हम लोग गाड़ी चुप धीरे धीरे चल रहे हैं, और झालुकबारी पहुँच जाने के बाद तो जाम में ही झालुकबारी पहुँच गया है। और यहाँ तक पहुँचने में हम लोग को लगभग 55 मिनट्स लग गया है, क्योंकि रास्ता बहुत जाम था। और इस तरफ बहुत ही 12:10 या 12:30 तक पहुँच जाना चाहिए। रास्ता हम लोग को भी नहीं मालूम, फर्स्ट टाइम जा रहा है, गूगल मैप का यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ से तो पूरा खाली खाली, पूरा फल फल के जाएगा, टेंशन नहीं है। चलो बहुत अच्छा सफ़र चल रहा है, मतलब रास्ते में नज़ारे भी खूबसूरत मिल रहे थे। अभी 6 गाँव मार्केट में पहुँचे थे हम लोग, और सफ़र बहुत अच्छा चल रहा है। कभी मैं गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कभी बबलू ड्राइव कर रहे हैं। हम लोगों ने आजरा, कहीकुची, मिर्चा, पलाशपुरी, विजयनगर, कुकुरमारा, फिर 6 गाँव पहुँच गए, उसके बाद बाबुल गाँव पहुँचे। 6 गाँव में राख मेला चल रहा था कृष्ण भगवान का, तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारे रास्ते में मिल रहे थे, और बहुत ही इन्जॉयमेंट करके हम लोग मतलब अपने सफ़र की ओर बढ़ रहे थे। और कुछ ही देर में पहुँचने वाले थे, सो अभी फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं पहुँचने वाले, बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। और फाइनली यहाँ बोको में पार्वती टेम्पल के नीचे में पहुँच गए, और यहाँ पे थोड़ा सा भूख लगा है तो चाय पी लेता हूँ, उसके बाद कुछ जलाने के लिए ऊपर में मंदिर में जलाने के लिए धूप अगरबत्ती वगैरह लेता हूँ। ये पीछे मेरे मंदिर का गेट है, देख पा रहे होंगे आप, इधर से ऊपर उठ के जाना है हम लोग को, उठने में आधा घंटा मन टाइम लगेगा। ये हम लोग पार्वती के मंदिर के गेट पे पहुंच गए, यहाँ से उठने में आधा घंटा लगेगा ऊपर। और अभी आपका 1 बज रहा है, मतलब मोटा मोटी 10:30, 11:30। ये साउंड डांगड़ हो जाए रे।
जी। और काफी सारा थी सीरी था, लगभग 100 मन होगा। और बीच बीच में जो साल तरफ से पेड़ था उसमें से धूप की किरणें जो आ रही थी ना, बहुत बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही मतलब अद्भुत अच्छा लग रहा था। और बबलू को एकदम आगे जाने की जल्दी है, पूरा दौड़ दौड़ के मुझसे आगे आगे जा रहा है। दिख रहे हो सूरज की किरणें जो आ रही है, मतलब अच्छा लग रहा है। मैंने थोड़ा स्लो मोशन वीडियो वगैरह बनाया था सीरी पे, सो अच्छा था, अच्छा ही लग रहा है। मतलब अच्छा, आप एक बार नज़ारे देखो, व्हाट अ व्यू, व्हाट अ ब्यूटी। कैमरे से पता नहीं चलता है, कैमरे से कुछ पता नहीं चलता, यहाँ पे आके देखो, जन्नत मिलेगा, जन्नत। इतना खूबसूरत नज़ारा है, वर्ड से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मैं बोल के इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नज़ारा बहुत खूबसूरत है और थोड़ा सा डेंजर भी है, पिछलने का बहुत डर रहता है। मैं बहुत पास तक चला गया था और वहाँ थोड़ा सा एक पत्थर में टुकड़ा भी था और एक पेड़ था वहाँ पे, जो मतलब पेड़ का नीचे एकदम गुफा जैसा बनाया हुआ था, मतलब पेड़ का डहलियों से, टहनियों से, मतलब क्या बोलते हैं उसके, जड़ों से, मतलब गुफा टाइप का था, उसके अंदर भी मैं गया था। काफ़ी अच्छा लग रहा था और अभी तक मतलब बहुत थक गया है, थोड़ा ऊपर तक आ गया। और बस वो जो सीरीज जो दिख रहा है वही लास्ट है, उसके ऊपर ही मंदिर है, पूरा एक पत्थर पे ही बना हुआ है पूरा मंदिर, यहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और अगर गुवाहाटी में है आप लोग या उसके आसपास के इलाके में, तो यहाँ पे एक बार आना जरूर बनता है। बस ये लास्ट है, Oh my god. यार बस ये सनराइज देखा भाई नहीं की? पूजा वूजा कर लिया है और पंडित जी से बात किया हमने, तो उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो है ना, जो कामाख्या में जो माँ का जो एक अंश जो गिरा था, जननांग भाग जो बोलते हैं, वो जो माँ का वहाँ पे गिरा, उसी का एक टुकड़ा यहाँ पे आकर, यहाँ भी आकर के गिरा था, जिसके कारण ये मंदिर का निर्माण हुआ है। तो उन्होंने बताया कि किसी का 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल तक किसी का अगर संतान नहीं होता है तो यहाँ पे आकर पूर्णिमा का टाइम में यहाँ पे मन्नत मानते हैं, पूजा करते हैं, तो ऐसा होता है। उन के पास ऑन रिकॉर्ड भी बोले लिखा हुआ है, सो बहुत अच्छी बात है। किसी का अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है, नहीं हो रहा है, तो एक बार आकर के यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। ये आस्था में ही विश्वास है, विश्वास रखेंगे तभी होगा। पूरा मंदिर जो है इस बड़ा पत्थर पे ही बना हुआ है, ये वाला पत्थर पे। मैं एक बार एक नज़ारा आप लोग को दिखा देता हूँ, पूरा संभाल करके यहाँ पे, पिछला तो गया। व्यू देखो ना एक बार यार, यही था पार्वती टेम्पल बोको में। काफ़ी अच्छा लगा, नज़ारा खूबसूरत था, ब्यूटीफुल, पूरा पहाड़ के ऊपर एक ही पत्थर पे पूरा मंदिर बना, बहुत सारी विशेषताएं हैं, अच्छा लगा। सुबह का टाइम आने से और ज़्यादा अच्छा लगता है, नेक्स्ट टाइम सुबह टाइम में आएंगे। अभी चलिए घर वापस जाते हैं, अभी 2 बज रहे हैं, घर जाते जाते शायद 4 बज जाएगा। सो टेक केयर, बाय बाय। न्यू चैनल है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच। ऐसे थोड़ा वहाँ पे मस्ती कर लिया, उछल कूद कर लिया था थोड़ा सा पत्थरों के बीच में, ऐसे जो अच्छा लग रहा था, नज़ारा खूबसूरत था। Zone with you is like
रिटर्न जाने टाइम में भी हम लोगों ने बहुत ही इन्जॉय किया, मतलब हम लोग गाना गाते हुए जा रहे थे। और ये जो है एपिसोड करके आएगा हम लोग का, एक एक्सप्लोरिंग असम एपिसोड नंबर 1 करके आएगा। उसके अंदर में हम लोग फर्स्ट एक्सप्लोरिंग गुवाहाटी कर रहे हैं पूरा सा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो मतलब अच्छा था, और कुछ मेमोरी वगैरह कुछ फ़ोटो वगैरह जो मैं डाल दूँगा वीडियो में लास्ट में। और अभी हम लोग छाई गाँव में पहुँचे थे, वहाँ एक रेस्टोरेंट में बीन बोल के काफ़ी अच्छा है, थोड़ा खाना थोड़ा महंगा था, 100 रुपये वेज प्लेट लिया था। और हम लोगों ने एक भेज दो भेज प्लेट और ये क्या बोलते हैं छोटा मछली का फ्राई लिया था, 160 पड़ा था। इट्स ओके, बट खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, खा के और पैसा दे के बुरा नहीं लगा, काफ़ी अच्छा था। सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।